तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की महान अभिनेत्री नृत्यांगना वैजयंती माला की। वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 को तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत जो थे मात्र 13 साल की उम्र से शुरू कर दी थी। इनकी खूबसूरती और इनकी मासूमियत ने इन्हें बहुत अच्छी पहचान दिलाई थी। वैजयंती माला ने सिर्फ दक्षिण भारतीय नहीं हिंदी सिनेमा पर भी राज किया। 1951 में वैजयंती माला ने बॉलीवुड में पहली फिल्म बाहर की थी। उसके कुछ समय बाद 1954 में उनकी नागिन फिल्म आई थी, जो उनके कैरियर के लिए बहुत ही अच्छी टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने देवदास, साधना, मधुमति, गंगा जमुना संगम, संघर्ष जैसी कई फिल्में दी थी। देवदास में वैजयंती माला ने चंद्रमुखी का किरदार निभाया था, जो एक तरह से आप सोचेंगे तो अमर हो गया था। इस किरदार को बहुत सराहा गया था। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला था। साधना फिल्म में वैजयंती माला को उनका जीवन का पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। फिल्म में उनकी एक्टिंग बहुत ही दमदार थी। वैजयंती माला ने अपने कैरियर में दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी सबसे ज़्यादा राजेंद्र कुमार के साथ पसंद की गई। लेकिन उनके रिलेशनशिप के किस्से दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ जोड़े गए। वैजयंती माला ने 2007 में अपनी एक ऑटोग्राफी बॉन्डिंग भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने दोनों को ही स्टारों को अपने साथ के रिलेशनशिप की खबरों को गलत बताया था। वैजयंती माला ने 1968 में चमनलाल बाली से शादी कर ली थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से किनारा कर लिया। हालांकि उन्होंने शादी से पहले साइन की हुई फिल्में ख़त्म की। वैजयंती माला ने राजनीति में भी सक्रियता दिखाई। उन्होंने तमिलनाडु जनरल इलेक्शन में भी भाग लिया था, वह कांग्रेस में थी। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया था। वैजयंती माला ने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और बंगला फिल्मों में भी अभिनय किया। इन्हें पद्मश्री के सम्मान से भी संबोधित किया गया सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके फिल्म कैरियर के दौरान उनके कुछ किस्से बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे, उनमें कितनी सच्चाई है यह नहीं पता। दिलीप कुमार और राज कपूर के बेहद करीब माना जाता था इन्हें। राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर ने जब उनके रिश्ते के बारे में सुना था, तो वह अपना घर छोड़कर चली गई थी। उनकी ज़िंदगी में तूफान आ गया था। इस रिश्ते पर पर्दा डालने की भी काफ़ी कोशिश की गई। वैजयंती माला से रिश्ता तोड़ने के लिए राज कपूर को मजबूर किया गया और उनसे कहा गया कि वह उनके साथ किसी फिल्म में काम नहीं करेंगे। और ये किस्सा बहुत ज़्यादा जो सच्चा भी है और मशहूर भी है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान डल झील में काफ़ी देर तक रहने के कारण वैजयंती माला को निमोनिया हो गया था। तब राज कपूर के फैमिली डॉक्टर चमन बाली ने उनका इलाज किया था। उसके बाद ही ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और ये भी सही हो गया कि इसके बाद इन्होंने शादी कर ली। इनकी इनके फैमिली डॉक्टर से ही शादी हो गई। वैजयंती माला अपने परिवार के साथ और समाज के साथ आज भी काफ़ी सक्रिय हैं। तो ये थी देखिए वैजयंती माला के बारे में जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं तो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।